कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लास 12th में सेकंड पार्ट में एक बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाता है। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, नाम में ही लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। देखिए मार्केट जो है, पूरा का पूरा मार्केट अगर मैं आपको बताऊं तो वो किस पे डिपेंडेंट है, कंज्यूमर के ऊपर। कि अगर सिर्फ सेलर है, कोई सामान लेने वाला नहीं है, तो फिर वहाँ मार्केट कैसे चलेगी। मार्केट सिर्फ किससे चलती है, कंज्यूमर से चलती है। अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो फिर वो मार्केट भी अच्छे से काम नहीं करेगी। अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। मार्केट में बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जैसे ब्लैक मार्केट हो गया, गलत एडवर्टीजमेंट्स हो गए, कंज्यूमर को गलत सामान दे दिया, गलत प्राइस पे दे दिया, कंज्यूमर के साथ कोई धोखा करा गया। ये सब क्या है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन है। इस सबसे अगर कंज्यूमर को बचाना है तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है, गवर्नमेंट बहुत सारे हमारे पास योजनाएं चलाती है, बहुत सारे गवर्नमेंट काम करती है जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा जा सके। इन सभी बेकार चीजों से, इन सभी गलत एक्टिविटीज से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टेप लिया कि क्यों ना एक एक्ट पास करा जाए जिसका नाम क्या रखा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन लिखी है, इट मींस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना ही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखा जाता है 1986, लेकिन जो ये एक्चुअल में इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st जुलाई 1987। एग्जिस्टेंस इसकी 1986 से है, बट जो रियल प्रोविजंस लगे वो 1987 से स्टार्ट हुए। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अब ये बेसिक चीजें हैं कि एक्ट क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है। सबसे पहले तो लीगल राइट्स, देन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर 3-tier रिड्रेसल एजेंसीज वेयर कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब ये 3-tier या 3-tier, जो लोग टायर बोलते हैं, कई टीयर बोलते हैं, जो आपका मन करे आप बोल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये 3-tier रिड्रेसल एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी, जहाँ पर एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब देखिए तीन चीज़ें बेसिक आई कि सबसे पहले तो लीगल राइट्स, क्या क्या राइट्स हैं, वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और 3-tier रिड्रेसल एजेंसीज, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जहाँ पर कंज्यूमर एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी राइट्स अवेलेबल हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक कंज्यूमर को, एक ग्राहक को कौन कौन सी राइट्स देता है जिसको वो यूज़ करके अपने आप को बचा सकता है उन सभी एक्सप्लॉयटेशंस के साथ जो उसके साथ सेलर कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या राइट आती है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का क्या मतलब है कि कंज्यूमर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना खरीदे जो उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, जो उसकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं हुए, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं बना और वो हमको कभी भी नुकसान दे सकता है। इमेजिन करिए कि आप फ्रिज खोलते हैं अपना मिल्क लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, वो फ्रिज बर्स्ट हो जाता है, तो मिल्क तो क्या लेंगे, आपका बढ़िया वाला मेकअप हो जाएगा। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, मेकअप तो भाई बस क्या बताऊँ, कोई बात नहीं, मेकअप क्या पूरे ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे, आप ऐसे लगेंगे कि वेस्ट इंडीज से आए। अब ऐसा हो ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक राइट दिया आपको, क्या, राइट टू सेफ्टी। बेसिक चीज़ें यही है, ये कुछ की वर्ड्स हैं जिनके द्वारा इस राइट्स को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ये राइट्स का पार्ट नहीं है, ये मैंने सिर्फ अदर एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं अपनी तरफ से, अगर आप इन्हें भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए बेसिक राइट टू सेफ्टी किसके लिए होता है, बी सेफ, सेफ रहिए। किससे सेफ रहना है, आपने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से बेसिकली, इस चीज़ में कौन सा आएगा, राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट राइट क्या आता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आपका अधिकार है, आपका राइट है कि आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिले। अब सारी इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या बैच नंबर है, क्या MRP है, क्या कंटेंट्स हैं, किस चीज़ से बना है, ये सारी चीज़ें जो आपको एक प्रोडक्ट के बेसिक लेबल पर मिलती है। वो लेबल क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपका अधिकार है। कौन सा अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आई होप ये क्लियर है। देन थर्ड वन इज राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या है कि एक कंज्यूमर का ये भी अधिकार है, उसकी राइट है कि वो अपने आप को किसी भी कोर्ट में ले जा सकता है। किसके अगेंस्ट जाएगा वो, सेलर के अगेंस्ट, जिसने कोई भी एक्सप्लॉइटेड प्रैक्टिस यूज करी है बायर के अगेंस्ट। मतलब क्या है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपके साथ कोई भी ऐसी प्रैक्टिस यूज करके आपके साथ कोई धोखा करा गया है और आपको लगता है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, तो कोर्ट में आप किस अधिकार के साथ जा रहे हैं, राइट टू बी हर्ड, आपकी सुनवाई हो वहाँ पर। आई होप ये बात आपको क्लियर है। नंबर फोर इज
राइट टू सीक रिड्रेसल। अब रिड्रेसल का क्या मतलब है कि जहां पर आप कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में जाके आपकी बात सुनी गई और जस्ट इग्नोर कर दिया गया, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ही आपको एक्सपर्टेड फील होगा, आपको लगेगा कि यार ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या आपको गलत प्रोडक्ट दिया गया है तो वो चेंज होना चाहिए, या फिर आपको उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। आपको उसके बदले से अगर कोई हार्मफुल हुआ, कोई इंजरी हुई है या कुछ हुआ है, तो उसका भी पैसा मिलना चाहिए। तो ये सब किस में आ जाता है? राइट टू सीक रिड्रेसल में आ जाता है। नंबर 5 इज राइट टू चूज। राइट टू चूज क्या है कि एक सेलर आपको कभी भी प्रेशराइज, आपको कभी भी फोर्स नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए। आपको पूरा राइट है, आपका अधिकार है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कर सकते हैं और सेलर को आपको सारी वैरायटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। वो कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो एक ही प्रोडक्ट है, यही लेना पड़ेगा। तो आपका ये लीगल राइट है कि आप उससे वैरायटी डिमांड कर सकते हैं और उसको आपको बहुत सारी वैरायटी देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ साइज, हर रिस्पेक्ट में जैसे भी आपको वैरायटी चाहिए। लास्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में तो पता होना ही चाहिए, एज वेल एज अगर उसको कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वो भी उसका अधिकार है कि वो कहीं से भी डिमांड कर सकता है। कंज्यूमर को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंज्यूमर अगर एडुकेटेड ही नहीं होगा तो उसको क्या पता उसको अपना राइट कहाँ पर यूज़ करना है, क्या क्या उसके राइट्स हैं। अब कंज्यूमर को एडुकेट करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे कैंपेन्स चला रही है, जिसमें से एक मैंने यहाँ लिखा है जागो ग्राहक जागो। आपने ऐड भी देखा होगा टीवी पर, बहुत ज़्यादा आता है जागो ग्राहक जागो, तो वहाँ से आपको क्लियर होता है कि वो कौन से राइट के लिए आ रहा है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब ये सेक्स राइट्स हैं, अगर आप इसको याद करने का कोई टेक्निक चाहते हैं तो मैंने क्या रखा था, बस राइट टू सेफ्टी आपने याद रखना है, उसके बाद आप इसको याद कर सकते हैं रिचेस के थ्रू। रिचेस में आर का मतलब तो राइट टू सेफ्टी है, अब आई का मतलब राइट टू बी इन्फॉर्म, सी का मतलब क्या है राइट टू चूज, एच का मतलब क्या है राइट टू बी हर्ड, ई का मतलब क्या है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और एस का मतलब क्या है राइट टू सीक रिड्रेसल। तो राइट सिक्स राइट्स हैं, सबसे पहले रिचेस आर राइट टू सेफ्टी, आई राइट टू बी इन्फॉर्म, सी राइट टू चूज, एच राइट टू बी हर्ड, E, right to consumer education and S, right to seek redressal। ये सिक्स राइट्स हैं जो आपको लर्न करनी ही करनी है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आती हैं, लगभग हर साल आती हैं, पूछी जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक क्या आता है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अगर आपके पास कोई अधिकार है तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारी भी आएगी, अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी आने तो बनती है और आएगी ही आएगी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कोई भी बुक पढ़िए उसमें बहुत सारी होंगी, बट एटलीस्ट आप 6 तो याद करके ही जाइएगा, कोई भी 6 आप याद कर सकते हैं। मैंने 6 सिंपलेस्ट लिखी है यहाँ पर, क्या है, सबसे पहले कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कंज्यूमर को अगर अपने राइट्स के बारे में पता है तो, और उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो फिर उसको अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। डोंट बी लेजी इन एक्सरसाइजिंग योर राइट्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 ईयर की वारंटी है बल्ब की और वो बल्ब 11 मंथ्स में फ्यूज़ हो जाता है तो आप कहेंगे छोड़ यार बहुत हो गया था आप क्या जाना, तो ऐसा नहीं है, आपका अधिकार है, आप जाइए उस वारंटी को यूज़ कीजिए और उस बल्ब को चेंज करा के आइए। यू ऑलवेज मस्ट एक्सरसाइज योर राइट्स। नंबर 2 कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस का मतलब क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर को पूरा सावधान होना पड़ेगा, कंज्यूमर को बिल्कुल भी सेलर को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है और अपना ध्यान खुद रखना होगा। उसको खुद से अंदर से एक अर्ज होना चाहिए कि प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको ठीक मिल रही है या नहीं। उसको कॉशियस होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, समझना होगा कि सेलर कभी भी उसके साथ फ्रॉड कर सकता है। अब पहले क्या चलता था, लेट द बायर बी अवेयर, लेकिन अब रिसेंट क्या चलने लगा है, लेट द सेलर बी अवेयर, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने प्रोवाइड करी कि सेलर को ही बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। नंबर 3 डू नॉट कैरीड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स। अब आजकल 3D जमाना है भाई, 4G नेटवर्क इतना तेजी से बढ़ रहा है, इंटरनेट इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो एड्स आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे, बट एड्स बिल्कुल 100% सच्चाई नहीं दिखाते, समझ लो इस बात को। जो एड्स में आपको दिख रहा है वो बिल्कुल भी सच्चाई 100% तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्रिप्चुअल है, जो टीवी पर ही देखने में अच्छी लगती हैं, जो इंटरनेट पर ही देखने में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा नहीं होना है कि आप एड्स देख के बस दीवाने हो जाओ, दीवाने मतलब कि आप प्रोडक्ट्स के पीछे चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। डू नॉट कैरी अवे बाय एडवर्टीजमेंट, पहले प्रोडक्ट को अच्छे से जानो समझो फिर आप उस प्रोडक्ट्स को बाय करो। नेक्स्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो जरूर लेना है, आपने बिल जरूर लेना है, बिल के बिना काम नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल भी आपका कोई फ्रॉड है, आपका बिल नहीं है, तो आप कैसे प्रूव करोगे आपने सामान परचेज करा है। बिल फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले बिल लो। नेक्स्ट फाइलिंग कंप्लेंट्स।
अब हमें कंप्लेंट्स फाइल करते टाइम बहुत डर लगता है, हम लोग एजुकेटेड नहीं है, हमें नहीं पता कंप्लेंट कैसे फाइल होगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप पहले अपने आप को एजुकेट करो, और अगर आपके साथ कोई छोटा सा फ्रॉड भी हुआ तो उसको लेके आप कंप्लेंट फाइल करो। अगर आप कंप्लेंट फाइल ही नहीं करोगे तो ये सब आपको प्रोवाइड करने का फायदा क्या है? वेस्ट हो रही है आपकी पावर्स, उनको यूज़ कीजिए, आपका अधिकार है, तुम लोग बहुत पावर्स है तुम्हारे पास। कंज्यूमर्स जागो, ग्राहक जागो। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब आपको क्वालिटी के साथ भी कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लेंगे ऐसा कैसे चलेगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्वालिटी कॉन्शियस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मार्क्स लिखे हैं कि आप उन मार्क्स का ध्यान रखिए, मार्क्स को देखते हुए सामान लीजिए। जैसे ISI मार्क, इलेक्ट्रिकल्स में बेसिक क्या चलता है, ISI मार्क प्रोडक्ट होना चाहिए। ISI है तो तभी वो एक ओरिजिनल एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। एग्रो में एग मार्क चलता है, एग मार्क क्या है, ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उस पर एग मार्क होना चाहिए। गोल्ड में हॉल मार्क हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स आप मार्क्स देख कर लीजिए। तो आई होप आपको ये कुछ राइट और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी थी क्लियर है। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।